पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा मोक्ष मूलं गुरु कृपा मोक्ष मूलं गुरु कृपा। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। हरिओम। आगे पढ़ रहे हैं आज प्रेयर 63 से 65 श्लोक 18 अध्याय। कृष्ण जहाँ भी मैं और मेरा बोलता है आत्मा में स्थिर होकर बोलता है और अर्जुन को भी भगवान करके देखता है। ज्ञान सुनने में सरल है पर जितना जितना तुम गहराई में जाओगे उतना ही तुम्हें गूढ़ प्रतीत होगा। राम तीरथ ने कहा 52 लाख सन्यासी इस पृथ्वी पर बोझ है। वह जैसे कोई तालाब को ढक देती है ऐसे ही वो ज्ञान को कर्म कांड और सतोगुणी माया द्वारा ढके हैं। सच्चा गुरु पहले पहल हमारे अंदर ज्ञान की प्रति चाहना उत्पन्न करता है। सच हमारे अंदर डालकर खुला छोड़ देता है कि अब तुम फ्री हो कि सच के साथ चलो या माया के। चाचा ने अपने भतीजे को हीरे की परख दी तो बाप की दी हुई कांच के टुकड़ों की पोटली उसने फेंक दी क्योंकि वो हीरे नहीं थे। इसी प्रकार गुरु जब सत्य और असत्य की फर्क देता है तो असत्य स्वतः ही हट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जगत के प्रति हमारा ध्यान स्वतः ही हट जाता है। कबीर दास ने लिखा कि जिस परमात्मा ने पूरा जीवन दिया उसके लिए मैं 1-2 घंटे भी न दे सका, करना था सो न किया, पड़ियो लोभ के फंद। नानक समय रम गया अब क्यों रोवत अंध। पढ़ना तैरना तीर चलाना तथा घुड़सवारी छोटेपन में न सीखी तो बड़े होकर नहीं सीख पाओगे। सारी दुनिया अपने काम में बिजी है, दुनिया खातिर दीन गवाया, दुनिया न चले साथ, पांव कुल्हाड़ा मारिया, गाफले अपने हाथ। अपने से पूछें कि अपना अनमोल समय कहाँ गवा रहे हो। काम क्रोध मोह लोभ वासनाओं में मनुष्य खुद को ही खोखला कर देता है। क्रोध को धिक्कार जैसे कोड़ी की धिक्कार होती है। लोभ सब पापों का बाप, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाप। भगवान ने अर्जुन से कहा तू मेरा अतिशय प्रिय है इसलिए परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। शादी के दिन लड़की की मांग भरी जाती है कि अब पति मिल गया। मांगे पूरी हुई पर होता तो उससे उल्टा है
उस दिन से उसकी मांगें बढ़ जाती है। भगवान से दुनियाई पदार्थ मांगते हैं जो तेरे किसी काम के नहीं। भगवान से मांगना है तो सच्ची शांति और आनंद, जहां बैठे भीगे रहें उसके अपार प्रेम में। जिसका मन साकार में फंस जाता है, फिर उसका मन माया में नहीं फंसता। गुरु हमारे भीतर ही धर्म की स्थापना करता है। हमेशा फील करें कि बल, माधुर्य, गंभीरता सब प्रभु का है। जो भक्त निश्चल, पवित्र, प्योर मन से हरि को भजता है, उसे मैं सहज मिल जाता हूँ। आगे भगवान ने, इसे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान ने बोला, कृष्ण जहाँ भी मैं और मेरा बोलता है, भगवान कृष्ण जहाँ भी मैं और मेरा बोलता है, आत्मा में स्थित होकर बोलता है। अभी कृष्ण भी मैं और मेरा, और हम संसारी भी जो हैं, जिनकी नजर टोटल बाहर मुक्ता में है, वो भी मैं और मेरा। कृष्ण ने भी मैं और मेरा किया, और संसारी भी करते हैं दिन भर मैं मेरा, पर दोनों की स्थितियों में फर्क है। कृष्ण आत्मा की स्थिति में रह के हर रूप में मैं ही तो हूँ, माना आत्मा से आत्मा का भाव कहते हैं, और देह में जो है वो मैं करता है, पर उसकी मैं कौन सी है, देह की। मैं फलाना, मैं टीरा, मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैंने किया, देह की। तो भगवान ने बोला, देह की कोई हस्ती नहीं है, पर आत्मा की सदाई हस्ती है ही है। जो उसकी हस्ती में बैठा है तो फिर उसको मस्ती भी उसी की है, पर संसार बैठा है संसारी की हस्ती में। कौन सी हस्ती? मेरा बेटा अमेरिका, मैं धनवान, मैं सुंदर, तो उसकी मस्ती भी वही है। फिर वो तो चेंजेबल है, बदलने वाली। भगवान ने कहा, कृष्ण जहाँ भी मैं और मेरा बोलता है, आत्मा में स्थिर होकर बोलता है, और अर्जुन को भी भगवान करके देखता है। कृष्ण अर्जुन को भी भगवान करके देखता है। ज्ञान सुनने में सरल है, पर जितना जितना तुम गहराई में जाओगे, उतना ही तुम्हें गूढ़ प्रतीत होगा। एक मिनट, कूलर बंद कर रही हूँ। तो भगवान वही कह रहे हैं कि ज्ञान कृष्ण ने भी मैं में किया, संसारी भी मैं मेरा बोलता है। फिर भगवान अर्जुन को भी भगवान करके देखते हैं। कृष्ण भगवान अर्जुन को, क्योंकि भगवान की जो मैं है वो आत्मा से आत्मा की है। तो मेरे अंदर आत्मा तो अर्जुन के अंदर कौन, मेरे अंदर भगवान तो अर्जुन के अंदर कौन। तो इस भाव से भगवान, पांच तत्व भी भगवान, अर्जुन के घट में जो बैठा है वो भी भगवान, उससे जो लीला हो रही है, जो करा रहा है, वो भी भगवान। तो भगवान उस मैं की पक्का करने के लिए हमको भी बोल रहे हैं। भगवान ने भी मैं किया, पर भगवान की मैं है आत्मा की, और संसारी की मैं है देह की। तो कृष्ण जहाँ भी मैं और मेरा बोलता है, आत्मा में स्थिर होकर बोलता है, और अर्जुन को भी भगवान करके देखता है। ज्ञान सुनने में सरल है, पर जितना जितना तुम गहराई में जाओगे,
उतना ही तुम्हें गूढ़ प्रतीत होगा। तो भगवान ने बोला, ज्ञान सुनने में तो बड़ा सरल है। ऐ भगवान बोल तो दिए, ऐ भगवान करण करावन वही है। फिर जब स्थिति सामने आती है तब पता पड़ता है। तो वही भगवान ने बोला कि ज्ञान सुनने में सरल है, पर जितना जितना तुम गहराई में जाओगे, ज्ञान की गहराई में, उतना ही तुम्हें गूढ़ प्रतीत होगा। गूढ़ माना रहस्य, गूढ़ माना गहरा। फिर एक तरफ भगवान बोलते हैं ज्ञान है गहरा, दूसरी तरफ बोलते हैं ज्ञान है उथला। उथला माना ऊपर आया हुआ। तो ये बातें बहुत गूढ़ हैं, गूढ़ माना रहस्य भरी और गहरी हैं। फिर दूसरे तरफ बोलते हैं उथली है। सुनना माता, वो बरनिया निकाल के रखियो, उसको ढक्कन बंद में धो देना, जैसे उस दिन धोई थी। उतना ही तुम्हें गूढ़ प्रतीत होगा। राम तीर्थ ने कहा, 52 लाख सन्यासी इस पृथ्वी पर बोझ हैं। राम तीर्थ ने क्या कहा कि 52 लाख सन्यासी, अभी 84 लाख योनियों में एक योनि है भक्त मनुष्य की, फिर उसमें भी सन्यास कितनों ने लिया है और कितनों प्रकार का सन्यास है। तो राम तीर्थ ने कहा कि 52 लाख सन्यासी इस पृथ्वी पर बोझ है। क्यों बोझ है? वह जैसे कोई तालाब को ढक देती है, ऐसे ही वो ज्ञान को कर्म कांड और सतोगुणी माया द्वारा ढके हैं। तो ये बोझ है मना किस रूप से बोल रहे हैं? जैसे तालाब को काई ढक देती है, ऐसे ही ये जो सन्यासी हैं कर्म कांड में सबको उलझा के रखे हैं, भगवान से दूर करके हमको बैठे हैं। तो कर्म कांड करना गलत नहीं है, पर कर्म कांड करके हम कर्म कांड में जो उलझे रहते हैं, मूर्तियों में अटक जाते हैं, भूखे रहने में अटक जाते हैं, तो इस भाव से भगवान हमको मना करते हैं। उसका इंटेंशन समझो ना, भूखे रहना ज्ञान नहीं है। कर्म कांड करो पर उसका इंटेंशन तो जानो। तो हर का इंटेंशन है, जो जिस भाव से उसको पूछता है उसको वैसा ही आंसर मिलेगा। तो कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है, प्रेम है, ये सब हैं सीढ़ियां। पर जो सन्यासी बाहर मुक्ता में हमको क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अटका के रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करोगे तो ऐसा होएगा, नहीं करोगे तो ऐसा। तो भगवान बोलते हैं इन बातों से उठो, होने वाली बात तो होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी, ये निश्चय रखो। लेकिन हम कर्म कांडों में उलझ जाते हैं, ऐसा करी फिर टक्के पैसे की कोई बात होती है, फिर मन में भरम, संशय, वहम, फिर दुखी, मैंने ऐसा किया ऐसा नहीं किया इस कारण। भगवान ने बोला इस कारण नहीं होता है, वो समय काल चक्र में कुछ पीरियड ऐसा दुख सुख मान अपमान का बना हुआ है, उसका कोई कारण इन सब बातों को नहीं दो। पर अगर कारण देना ही है तो कारणों का कारण परमात्मा, सबके घट में वो बैठा खेल खेल रहा है, इसको पकड़ो। जे नहीं पकड़ा तो भगवान फिर उनके लिए बोल रहे हैं। तो राम तीर्थ ने कहा, राम तीर्थ कौन थे? ब्रह्म ज्ञानी संत। तो राम तीर्थ ने कहा, 52 लाख सन्यासी इस पृथ्वी पर बोझ हैं। वह जैसे कोई तालाब को ढक देती हैं, ऐसे ही ज्ञान को कर्म कांड और सतोगुणी माया द्वारा ढके हैं।
कर्म कांड करो, सत्य करो, ये सत्य कर्म, ये बद कर्म, ऐसे करके वो ढके हुए हैं। क्लियर हो रही है? इसमें किसी को बात करना है? तो कर्म कांड, भगवान ने बोला कर्म करना गलत नहीं है, पर हर कर्म का इंटेंशन जानो। परम कर्म फिर कांड, उसमें अटक जाते हैं, फिर मन भरम, संशय, वहम, ये जितने भी कर्म है ये देह के कर्म है, और ये जो देह के कर्म है ये स्वाभाविक हैं। आरती, अरदास, पूजा, दिया जलाना, ये सब गलत नहीं है, पर जब हम इनमें अटक जाते हैं ना तो ये गलत है। इसीलिए ये साकार की पूजा हमको निराकार तक पहुंचाती है। बाहर का दिया, भगवान ने बोला बाहर का दिया तो कितने टाइम जलेगा, 2 घंटे, 4 घंटे, चलो हाईएस्ट 9 दिन की ज्योति, 1 महीने की ज्योति, और क्या। पर ये अंदर हमारा ज्योत स्वरूप जो सदा ही है ही है, इसको जलाते रहो ना, इसको बुझने मत दो। इसमें फिर गुरु के वचनों का तेल डालते रहो तो ये जलते रहे। सबके प्रति प्यार, प्रेम, ये जो अंदर की लाइट है, ज्योत जलती रहे हरदम, जो बोलते हैं। तो कौन सी ज्योत? जो गुरु ने जगाई है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है, ये ज्योत। फिर ज्योत से ज्योत जगाओ, तो इस ज्योत को, वो बाहर सिर्फ देह की बातें हैं, पर देह की बातों से पक्का करना है आत्मा की। जैसे हमको कहीं जाना है तो हम किसी मोटर, स्कूटर, साइकिल, ट्रेन, हवाई जहाज, कोई आधार साधन लेंगे, पर वो साधन इसलिए लेंगे कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो हमारा भी लक्ष्य निराकार तक पहुंचना है। उस निराकार तक पहुंचने के लिए ये कर्म जो भी है ये सिर्फ साधन है, पर हम साधनों में अटक जाते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं। वह जैसे कोई तालाब को ढक देती है, ऐसे ही ज्ञान को कर्म कांड और सतोगुणी माया द्वारा ढके हैं। ये जो सन्यासी, एक्चुअल में सन्यासी माना जिसने मन का नाश किया है, वो है सच्चा सन्यास। सिर्फ गेरू कपड़ा पहनने से कोई सन्यासी नहीं होगा। सच्चा गुरु पहले पहल हमारे अंदर ज्ञान के प्रति चाहना उत्पन्न कराता है। जो सच्चा गुरु होता है वो पहले पहले हमारे अंदर ज्ञान के प्रति हमारा चाह का भाव जगाता है। जिसने ज्ञान के प्रति, जैसे सतगुरु भगवान बोलते हैं ना, तेरी नींद नहीं फिटा दूं, तो मैं गुरु नहीं हुआ, तो बराबर जब सच्ची समझ खुली तो नींद फिटी ना, कि कौन सा कर्म अभी तक कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कौन सी नींद, अज्ञान की। तो वही भगवान बोल रहे हैं, सच्चा गुरु पहले पहले हमारे अंदर ज्ञान के प्रति चाहना उत्पन्न कराता है। सच हमारे अंदर डालकर फिर क्या करता है, हमारे अंदर सच डालकर खुला छोड़ देता है कि अब तुम फ्री हो कि सच के साथ चलो या माया में। गुरु हमको रास्ता दिखाता है, भले पहले पहले जैसे बच्चा होता है पढ़ता नहीं है तो माँ उसको कितने प्रलोभन देती है, बेटा आइसक्रीम खिलाने जाऊंगी, बेटा खिलौना, बेटा पिक्चर दिखाऊंगी, कितने सारे उसकी खाने पीने की, खिलौने की हर बात। कब तक उसकी वो जागृता जागे, वो पढ़ाई का मतलब, इंटेंशन, और क्यों पढ़ना जरूरी है वो जाने। एक बार उसकी रुचि जग गई तो माँ बोलती है बेटा मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगी, तेरे को खाने की थाली हाथ में दूंगी, तेरी हर बात मैं मानूंगी, पर पढ़ना तो तेरे को है, तू पढ़ेगा तो कुछ बनेगा, नहीं पढ़ेगा तो तेरी मर्जी, गंवार बनेगा। तो
तो सच्चा गुरु भी पहले पहले बोलता है, आ तेरे को मुक्ति दूंगा। तो हमको लगता है हाँ गुरु कोई मुक्ति देगा। अभी समझ में आता है मुक्ति मुक्ति क्या। गुरु ने बोला मुक्ति तो ज्ञानी के दर पर पानी भरती है। तो ये पानी भरती है मना, टोटल बात है मुक्ति मन की। तो गुरु बोलता है आ तेरे को मुक्ति दूंगा, आ तेरे को मोक्ष दूंगा। फिर जैसे जैसे ज्ञान की समझ होती जाती है वैसे वैसे क्लियर है मुक्ति माना क्या, बंधन माना क्या, मोक्ष माना क्या। मोक्ष कोई जगह है क्या कि मरने के बाद यहाँ से छूटा उधर गया। हाँ मोक्ष माना इस शरीर से छूटा, इस शरीर से मोक्ष हुआ, फिर कहाँ गया। पर उस पहले क्या समझते थे, मोक्ष माना बस छूट गया, यहाँ से छूटा वहां जाके भगवान के साथ बैठेंगे गले मिला के। तो ये मोक्ष नहीं है। मोक्ष माना मोह का क्षय। जैसे जैसे मोह का क्षय होते जाएगा, हमारी अटक हटती जाएगी, वैसे वैसे निराकार की पक आनंद को पकड़ के रखेंगे। और सच्चा आनंद ही ज्ञान, आनंद में रहना ही तो ज्ञान है और क्या है। तो सच्चा गुरु पहले पहल हमारे अंदर ज्ञान के प्रति चाहना उत्पन्न कराता है। सच हमारे अंदर डालकर, सच और जो भी है मिथ्या वो हमको समझा के हमारे अंदर डालकर खुला छोड़ देता है कि अब तू फ्री है कि सच के साथ चलो या माया के साथ। हाँ बोलो रेखा नागदेव, कुछ बोलना है क्या। म्यूट की रूम फ्री हो कि सच के साथ चलो या माया के। चाचा ने जब भतीजे को हीरे की परख दी तो बाप की दी हुई कांच के टुकड़ों की पोटली उसने फेंक दी, क्योंकि वो हीरे नहीं थे। ये दृष्टांत मालूम है ना सबको। एक संत का आखिरी समय था तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कुछ कांच के टुकड़े, हीरे मतलब थे तो नकली, पर उसने दिए अपने बेटे को और बोला कि बेटा इसको संभाल के रखना। तो बेटा रखा, फिर कुछ दिन के बाद उसको हलचल हुई। हलचल हुई तो वो गया अपने चाचा, उसके चाचा थे जोरी, तो उसके पास लेके गया। जोरी के पास बुलाया, ये पिताजी ने मेरे को दिए हैं, बताओ परख के इसकी कीमत क्या है। तो अभी जौहरी था ज्ञान में, तो उसने बोला मैं अगर इसको बोलूंगा कि ये पूरे नकली हैं तो सबसे पहले तो इसके मन में मेरे प्रति क्या आएगा, खोट वाला भाव कि पिताजी ने मेरे को दिए हैं तो कोई तो राज होएगा, तो चाचा मेरा हड़पना चाहते हैं। मन कितने विकार लाता है जब तक उसको सही बात नहीं आती समझ में। तो जो जौहरी था उसने बोला अब इसको बोलूंगा ये असली नहीं है, कांच के टुकड़े हैं, तो ये मेरे प्रति गलत सोचेगा या अपने पिताजी के प्रति कुछ दुभाव लाएगा। तो उसने बोला बेटा ये इसको जाके संभाल के रख, ये बहुत कीमती है। तो उसने आके अपनी तिजोरी में संभाल के रखा। फिर उस जो चाचा जो जौहरी था उसने अपने भतीजे को कहा जिसके पास हीरे थे नकली, तो बोला बेटा तू मेरे पास कल से काम में आ जाना, मैं तेरे को सिखाऊंगा, कोई फीस वीस नहीं लूंगा। बोला ठीक है। तो वो फिर करते करते वो खुद जौहरी हो गया। तो जब वो खुद जौहरी हो गया तो उसने अंदर में उसको बात आई कि पिताजी ने भी तो मेरे को दिए थे तो मैं उसकी परख तो करूं। तो जब उसने परख की तो उसने पाया ये तो कांच के टुकड़े हैं। तो वही बात बता रहे हैं कि चाचा ने जब भतीजे को हीरे की परख दी तो बाप की दी हुई कांच के टुकड़े की पोटली उसने फेंक दी, क्योंकि वो हीरे नहीं थे। इसी प्रकार गुरु जब सत्य असत्य की परख देता है
तो असत्य स्वतः ही हट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। इसलिए भगवान कोई पहले आता है कर्म कांड में होता है, कोई भक्ति में होता है, किसी बात में होता है, तो भगवान नहीं बोलते हैं छोड़ो बेटा, ठीक है करो, चलते चलो, सत्संग भी सुनो और चलते चलो। फिर जब सत्य की परख आती है कि ये सब देह के कर्म है, मिथ्या है, इनमें अटकना नहीं है, ये देह के कर्म देह तक, इन कर्मों के प्रति हमको भ्रमों में नहीं जाना है, तो फिर वो आपे ही छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है। पर अगर हम पहले ही दिन जाएं गुरु के पास और गुरु बोले छोड़ो छोड़ो उपवास रखना, छोड़ो छोड़ो व्रत रखना, तो जिनकी उनमें अभी कोई बात है, अभी जिन्होंने पक्का ज्ञान नहीं समझा है, तो बोलेंगे ये कैसा गुरु है। तो गुरु इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे पिताजी ने उसको दिया कांच के टुकड़े, तो चाचा के पास लेके गया, चाचा ने बोला इसको एकदम से बोलूंगा बेटा ये कांच के टुकड़े हैं, तेरे कोई काम के नहीं है, तो मैं भी उसको गलत फहमी मेरे प्रति हो, पिताजी के प्रति हो, कुछ भी हो सकता है ना, मन कितनी संशय शंका लाता है। तो बोला नहीं बेटा इसको संभाल के रख, पर तू रोज यहाँ आके कुछ सीख मेरे से। तो जब वो खुद जौहरी बना तो उसने परखा, तो बोला अरे ये तो कांच के, फिर खुद फेंका। तो भगवान बोलते हैं जब तुमको खुद को ये निश्चय हो जाएगा तो तुम इन बातों से खुद ही ऊपर हो जाओगे ना, पर मैं क्यों बोलूं ये कांच के टुकड़े हैं फेंको। जब तक हीरा नहीं मिलता है तब तक कांच के टुकड़े भी भले संभाल के चलो ना, अच्छी बात है। फिर भगवान ने बोला एक बार हीरा मिल जाए तो हर कांच के टुकड़े को परख के देखो, पता नहीं किसमें कौन सी खासियत है। तो ज्ञान है चार तरफ का, ऐसे नहीं, चार तरफ का ज्ञान है। इसी में किसको बोलना है, कुछ बात करना है। आ रही है बात क्लियर समझ में? रेखा चुग बोलना है कुछ बेटा, हाँ, बोलो बोलो। यही ना, सच्ची भी गुरु ने आंखें खोली ना, हाँ गुरु ने कराई, सत्य और असत्य की परख कराई। हाँ नहीं तो पहले तो अज्ञान में सब ये करते थे ना। हाँ अभी भी करते हैं, अभी भी ठीक है ना, पर अभी निश्चय हाँ वाली पर बात छूट है। गया, हाँ हाँ अभी छूट गया, छूट मतलब गया, किया कोई कुछ भी। हाँ छूट गया, पर कभी होता है तो निश्चय वाली बात होती है ना कि हाँ चलो ठीक निश्चय वाली बात, निश्चय, बस वही है निश्चय भरम वाली। संशय नहीं है, भरम हाँ संशय भरम नहीं है। संशय नहीं, ऐसा करूंगी तो ऐसा होएगा। हाँ हाँ बोलो लाज माता। हरिओम दीदी, एक दृष्टांत है लेकिन क्या बता इसके ऊपर है कि नहीं है। बोलो प्यारे बोलो। एक राजा थे तो वो बहुत अच्छे राजा थे, पूरी प्रजा उनसे बहुत खुश थी, हाँ उनकी चारों तरफ वाह वाही थी, लेकिन राजा को मन में शांति नहीं थी, उसका मन बहुत हाँ अशांत, असंतुष्ट था। तो हाँ एक दिन वो भेष बदलकर सेठ का नगर में घूमने गए। घूमते घूमते एक खेत के पास पहुंचे, वहां एक किसान बैठा था, फटे मेले कपड़े पैर के नीचे खाना खा रहा था, लेकिन वो बहुत खुश लग रहा था। तो राजा गया, बोला ये किसान के कपड़े मेले फटे हैं, क्यों ना कुछ को पैसे इसको दे दूं तो ये शायद इसकी बन जाएगी जिंदगी। लाइफ का हाँ तो इसको कुछ कुछ मोहरें जेब से निकाली और किसान को दी, बोलो तुम्हारे खेत से मुझे ये मोहरें मिली है, तुम ले लो। किसान बोला नहीं मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप ले जाओ किसी और को दे दो, हाँ ये मेरे मोहरे मेरी नहीं है। तो राजा सोचने लगा पैसे की जरूरत किसको नहीं होती है, किसको नहीं होती ये बोला मुझे जरूरत नहीं है। बोला है। हाँ नहीं है। बोला तुम कितना कमा लेते हो, बोला मैं रोज रोज चार आने कमा लेता हूँ। बोला चार आने में खुश हो, बोला हाँ, इतने में किसान का खाना खत्म हो, चलता बनना। राजा बोलता है चार आने का बता दो सही कैसे खर्च करते हो। किसान के पास तो टाइम नहीं ना था नहीं, फिर भी बोला एक का ना मैं कुएं में डाल देता हूँ, एक आना कर्ज दे देता हूँ, एक आना उधार दे देता हूँ, और एक आना जमीन में गाड़ देता हूँ। ऐसे कर किसान चला गया, कोल मथा लगाया सेठ से, उसको सेठ समझ रहा था ना, तो वो चला गया। राजा को कुछ बात समझ में नहीं आई, आया और दरबार में मंत्रियों को बोला बताया, दूसरे दिन सभा बुलाई, राजा के प्रश्न का कोई आंसर नहीं दे पाया। फिर ढूंढते ढूंढते वजीर उस किसान को लेकर आए, किसान आया दरबार में,
तो राजा ने पूछा, तुमने जो चार सवाल मुझे बताए थे, मुझे उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है, और तुम अभी बताओ। किसान ने बोला, एक का नाम है गड्ढे में गाड़ देता हूँ, एक का नाम है कुएं में डाल देता हूँ, मतलब कुएं में डालना मतलब अपने बच्चों के घर का भरण पोषण कर देता हूँ, और एक का ना कर्ज चुका देता हूँ, मतलब अपने माता पिता को दे देता हूँ, मेरा कर्ज उतर जाएगा, और एक का ना उधार देता हूँ, मतलब बच्चों की पढ़ाई में लगा देता हूँ, बाकी बचा एक का ना मैं जमीन में गाड़ देता हूँ, कभी जरूरत पड़ेगी, कभी धार में काम होता है उसमें काम आएगा, जमीन में गाड़ देता हूँ। राजा समझ गए, बोल, राजा की आंखें खुल गई, चार आने कमाने वाला किसान इतना खुश है, बचत एक आना बचत भी करता है। सही बात। हाँ सही बात है, बातों में गुड़ है। अभी प्रेजेंट में तेनालीराम हमारे घर में बहुत देखते हैं। तेनालीराम भी हाँ सीरियल देखो ना, तो उसमें भी इसी टाइप की बहुत सारी बातें, हाँ बहुत सारी कहानी आती थी थी बहुत सारी कहानियां आती हैं। अभी तो वही चलता है हमारे यहाँ, और कोई सीरियल नहीं चलता है, तो इनको तेनालीराम बहुत पसंद है। तो बस तेनालीराम ने रोज अकबर बीरबल की कहानियां देखो, बहुत शिक्षा है उसकी उनकी। हाँ शिक्षा बहुत मिलती है इसकी भी उसको, बहुत उसके राजगुरु होते हैं, बहुत अटकाते हैं, फंसाते हैं, हाँ लेकिन तेनालीराम ऐसी बुद्धि से, चतुरता से निकल जाते हैं और बात बना लेते हैं। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, जितने भी ये पुराने राजा महाराजा थे सब क्या बुद्धू थे क्या? नहीं सबके वजीर और मंत्री होशियार हुआ करते थे। एक्चुअल में क्या है, आप घर के बड़े हो जी और आपके परिवार में अगर आप हर फैसला दोगे हर हाँ बात का, तो फिर वो बात सबको हजम नहीं होगी ना। और जी इसके आप किसी को आगे रखोगे, फिर वो सबसे पूछेगा, तो ऐसे ही तो होता था ना। तो बात राजा फिर जिस जो सच होती थी उस पर ठप्पा मारता है ना राजा, पर अपनी चलाओ। जैसे कृष्ण भगवान की, खुद उसने सोचा कि मैं खुद जाके बोलूंगा परिवार में तो कोई नहीं मानेगा, कोई देखेगा, चाचा दादा नाना पापा सब देखेंगे। फिर वो आर्ट, तो ये आर्ट और रमज समझ के लिए वो अपने साथ ऐसे ज्ञानियों को रखते थे। हाँ मतलब जितनी भी कहानी सुनते हैं, देखो तानसेन देखो और अकबर हाँ बीरबल, तो वो खुद अगर राजा बोलते तो फिर उनको 10 दोष मिलते ना, कि आप इनको अपना अच्छा समझते हो, इनका ऐसा समझते हो। आप घर में ही देखो ना, अगर आप सबका फैसला आप करो तो लोग तो बोलेंगे पार्शलिटी है, ऐसा है वैसा है, पर किसी एक को मजबूत को रखो। फिर तेनालीराम भी अपनी बात थोड़ी चलाता है, फिर वो राजगुरु से पूछता है, सबके सामने बात रखता है, फिर बात आगे आती है ना। तो ये एक आर्ट है, कर्मों से निकलने की ये आर्ट है, रमज समझ। बहुत भगवान अच्छी तो आदत है तुम्हें, फिर भगवान तो जैसे बहुत बोलते अच्छी हैं ना, आदत। दूसरे को सत्ता दे, एक जी दूसरे को जी सत्ता, तो फिर इस रूप में वो एक मंत्रियों का जमा के रखते थे कि ये मंत्री है, ये गुरु है, ये सबके पास वो बात जाती थी, सबका ठप्पा लगता था, राजा का ठप्पा लास्ट में लगता था। तो इस प्रकार जैसे राजापन बच जाता था। जी जी जैसे महाभारत में देखा, भगवान कृष्ण सबसे पूछते थे, पहले खुद नहीं बोलते थे, खुद नहीं होते, सबकी राय पूछते थे पहले। हाँ कैसे करें क्या करें बराबर, तो ये भी हाँ एक आर्ट है। आठ है, हाँ अच्छी बात है। रामतीर्थ ने कहा, 52 लाख सन्यासी इस पृथ्वी पर बोझ हैं, वह जैसे काई तालाब को ढक देती है, ऐसे ही वो ज्ञान को कर्म कांड और सतोगुणी माया द्वारा ढके हैं। सच्चा गुरु पहले पहल हमारे अंदर ज्ञान के प्रति चाहना उत्पन्न कराता है, सच हमारे अंदर डालकर खुला छोड़ देता है कि अब तुम फ्री हो कि सच के साथ चलो या माया में। चाचा ने जब भतीजे को हीरे की परख दी तो बाप को दी हुई कांच के टुकड़ों की पोटली उसने फेंक दी, क्योंकि वो हीरे नहीं थे। इसी प्रकार गुरु जब सत्य और असत्य की परख देता है तो असत्य स्वतः ही हट जाता है। इसी प्रकार गुरु भी जब हमको सत्य और असत्य की परख देता है, मिथ्या की, तो असत्य खुद ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जगत के प्रति हमारा ध्यान स्वतः ही हट जाता है, असत्य
स्वतः ही हट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। जगत के प्रति हमारा ध्यान स्वतः ही हट जाता है। एक हटाना पड़ता है, एक हट जाता है। एक के लिए थोड़ी जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ती है। तो सबकी स्थितियों में फर्क है। बच्चे को कोई आदत जोर जबरदस्ती से छुड़ाओ तो फिर कभी चोरी चकारी करके इधर उधर से करके वो अपनी आदत पूरी करता है। पर अगर सच में उसकी समझ खोल के और उसको फ्री छोड़ो तो वो आपे ही समझ जाएगा। उसको रास्ता दिखाओ, बेटा ये बात है, ये बात है। कभी गिरे तो भले गिरे, पर उसको सच पकड़ाओ। एक बार अगर उसने सच पकड़ा तो कोई ताकत नहीं है उसको रोकने वाली। तो भगवान भी हमको वही बात कर रहे हैं कि मैं जोरी से नहीं बोलूंगा, ये सब छोड़, कर्म कांड है, इसमें मत अटक। पर एक बार सच को समझ, फिर समझने के बाद भगवान ने मना थोड़ी किया है। भगवान ने बोला सारी सृष्टि तेरे लिए तो बनाई है, तू घूम फिर खा पी मौज कर सब कर। हाँ बोलो ताई जी। संत भगवान जी ने दो बात बताई, हाँ जब चांद दिखाई दे जाता है तो व्रत खोल देते हैं, हाँ और जब किनारा मिल जाता है तो फिर नाव की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ते। सच्ची बात है। ये जब दोनों बातें किनारे मुझे बहुत अच्छी लगी, जो ये हाँ टॉपिक चल रहा है। हाँ हाँ चांद को देखने के बाद व्रत खोल देते हैं। बराबर। अभी वो हीरा मिल गया, मिल गया, हीरा मिल गया। जिसको हीरा मिल गया वो पत्थरों की क्या जरूरत है उसको। पर फिर भगवान ने बोला कि चलो ठीक है, हीरा मिल गया, फिर हर पत्थर को चेकिंग करो, सब में कोई ना कोई तो बात है ही, है ना। तो है ही भगवान, है ही भगवान। फिर अटको मत, भरम संशय मत करो, पर नमस्कार का भाव हो। कबीर अरे दास। दीदी, हाँ बोलो। इसमें दीदी जैसे शाम को दिया जलाते हैं, अगर वो जलाते हैं भरम नहीं पड़ता है, कभी को नहीं जला तो कोई भरम नहीं होता है, लेकिन जलाना अच्छा लगता है। ठीक है ना, वाइब्रेशन भी अच्छा लगता है, मन का भाव हाँ बनता है। क्यों नहीं जले, जले कम से कम उसको देख के दूसरे का कोई भाव अच्छा होता है ना। ऐसे वही कोई वही, बच्चे वो बात नहीं है। देखेंगे सीखेंगे। हाँ भले ठीक है ना, वाइब्रेशन एक नियम, मन का, हाँ तन का, मन का एक नियम है। पर कभी नहीं भी होता है तो भरम नहीं, ठीक है। हाँ टूट जाता है तो कोई भरम नहीं होता है आजकल, पर उस पहले समय होता था। एक्चुअल में ये सब बातें मन की याद की है कि हमको भगवान जी याद रहे। हाँ संत पूजा भ्रम इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारा अंदर का दिया जल गया। जल गया। जी, इसलिए हाँ भ्रम हमें नहीं होता। हाँ वही बात है, भरम नहीं हुए। ये सब वही है ना, साधन है पहुंचने के लिए, उसको पकड़ने के लिए साधन है। एक बार उसको पकड़ लिए तो फिर भगवान ने बोला छूट गए तो कोई बात नहीं, अगर नहीं छूटे हैं भाई प्रकृति में हो रहे हैं तो हाथ जोड़ो, उसमें क्या बात है, कोई गलत थोड़ी है। हाँ अच्छा लगता है, मतलब कोई नहीं बस ऐसे ही लगता है कि नहीं करना चाहिए। बात नहीं अच्छी लगती है ना कि किनारा मिल गया तो नाव की क्या जरूरत है। हाँ ठीक जी है, जी सब तरफ की जी बात है। जिस जो जो इस स्थिति में, अब हमारे घर में कर्म भक्ति की प्रधानता है तो ठीक है ना, क्या हुआ तो करते हैं। अच्छी बात है दीदी, कोई बुरी और बात नहीं है खुल के करते ना। हैं, खुल के करवाते हैं, उसमें क्या बात है। बच्चे तो ऐसे खुल गए हैं इन बातों में, तीनों प्यारियों का हाथ खुला हुआ है कर्म भक्ति में, तो लगता है इस भाव से उनका हाथ भी खुला, सब बात हो गई, अच्छी बात है ना। बिल्कुल, चलो ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है। कबीर दास ने लिखा है, जिस परमात्मा ने पूरा जीवन दिया उसके लिए मैं 1-2 घंटे भी न दे सका, करना था सो न किया, पड़ियो लोभ के फंद। कबीर दास जी ने कहा जिस परमात्मा ने मेरे को ये पूरा जीवन दिया उसके लिए मैंने 1-2 घंटे भी न दे सका। तो उसको कबीर को ये पछतावा है कि क्यों नहीं दे सका, जिसने सब कुछ दिया उसके लिए ही समय नहीं है। तो भगवान ने बोला इससे बड़ा दुख, संसार की कितनी बातों का, फलाने ने नहीं पूछा, उसने नहीं बिठाया, उसने इज्जत नहीं की, कितना दुख पकड़ के बैठती है माई। और खास करके जब मोह वालों की तरफ से ऐसा मिलता है, दुख कर तो इस बात का करना कि जिसने ये दिया हमको मानुष चोला, पूरा जीवन इतना,
उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, ये दुख करो कि वो दुख करो, वो तो चेंजेबल मिथ्या, सबकी मन की प्रकृति, कभी तोला कभी मासा, वो तो संसार चलेगा, उसमें क्या बात है। तो भगवान ने बोला, कबीर दास ने लिखा है कि जिस परमात्मा ने पूरा जीवन दिया उसके लिए एक दो घंटे भी न दे सका, करना था सो न किया, पड़ियो लोभ के फंद। जो करना था वो किया नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि लोभ के फंदे में अटका हुआ था। नानक समय रम गया, अब क्यों रोवत अंध। नानक जी कहते हैं कि वो समय जो था वो तो रम गया, मन बीत गया, अब क्यों रोवत अंध। अंध माना अंधा, अंधा माना अज्ञानी। तो अभी समय के रहते नहीं किया तो अभी क्यों रो रहा है। अंधा कौन? अज्ञान। अंधा माना वो नहीं जिसकी आंख पर अज्ञान। पढ़ना, तैरना, तीर चलाना तथा घुड़सवारी छोटेपन में न सीखी तो बड़े होकर नहीं सीख पाओगे। क्या क्या भगवान बोल रहे हैं? पहला पढ़ना, दूसरा तैरना, तीसरा तीर चलाना और चौथा घुड़सवारी। अभी ये सब बातें अगर उस रूप में भी बोलो तो बच्चे जितना जल्दी सीखते हैं बड़ों को थोड़ा या तो बहुत ज्यादा निश्चय की जरूरत है। और दूसरी तरफ पढ़ना मना ये सब जो गुरु की बात ज्ञान, कच्ची बुद्धि होती है तो पाने जल्दी लगता है ज्ञान, और जिनकी कच्ची बुद्धि नहीं है तो क्या होता है, बुद्धि की जब पक्ता हो जाती है, बोलते हैं ना पक्के लकड़ी टूट जाएगी पर मुड़ेगी नहीं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि पढ़ना, दूसरा तैरना, कौन सा तैरना, एक है नदी तैरना, दूसरा ये तैरना कि हर बात से तैर के निकल जाए, हर बात। तैरना, संसार से भागना, हाँ, तैरना तैरना माना जो भी ऊपर स्थिति आए उससे ऊपर उठ के। हाँ फेस तो करे, फेस हाँ तो ये है ना करे, तैरना। स्वीकार करे, उसको ही हाँ तैरना बोलते हाँ हैं ना। ये अगर बचपन में, पहले के जमाने में जो चार आश्रम करते थे तो पहले में गुरु आश्रम जो जाते थे, गुरुकुल में बच्चे पढ़ने जाते थे तो वहाँ क्या सिखाते थे, यही पढ़ना, ब्रह्म विद्या, शरीफा, सुबह उठो जल्दी, लकड़ियां बीन के आओ, खाना बनाओ, पूजा करो, हवन करो, ये सब बातें। ये पढ़ना और इन सब बातों से ऊपर उठना, गुरु की बात को यश करना, तो ये तैरना। उसके बाद तो फिर गृहस्थ आश्रम में तो सेकेंड में जाते थे ना, तो ये तैरना माना हर स्थिति से कैसे निकलना, अटकना नहीं, तो ये है तैरना। तो पढ़ना, तैरना, तीर चलाना, तो तीर चलाना माना जो भी स्थिति है वहां पर किस तीर की जरूरत है, दीदी बोलो। आपका म्यूट है ध्रुव माता। तो तीर चलाना माना, भवसागर से तरना। हाँ, भाव सागर से तैरना। और तीर चलाना माना कौन सी स्थिति पे क्या चलाना, कौन सा बाण, कौन सा तीर, कौन सा शब्द, शब्द रूपी तीर, शब्द रूपी बाण, आर्ट स्थिति, न करे आर्ट। किसी को, हाँ ये आर्ट। हाँ जैसे विभीषण ने चलाया था ना, हाँ वैसे रावण माँ से मंदोदरी। मैं तो भैया मंदोदरी भाभी को ही तो याद कर रहा याद हूँ, कर रहा हूँ। आपके दुश्मन को कौन सा याद कर रहा हूँ। राम, हाँ रावण बहुत नाराज था विभीषण पर कि तू मेरा भाई होके और मेरे दुश्मन को याद कर रहा है। तो बोला नहीं, राम, र से रावण, म से मंदोदरी, तो ये तीर चलाना है ना, सामने वाला भी खुश। तीर चलाना तथा घुड़सवारी। घुड़सवारी क्या? ये इंद्रियां है, घोड़े। हाँ सुशीला माता क्या बोल रहे हो? नहीं, वो अभी चालू कर रही थी मैं।
ठीक है, म्यूट करो। घुड़सवारी मना, ये इंद्रियां हैं घोड़े गलत नहीं दौड़े, तो ये इंद्रियां रूपी घोड़े को चलाने के लिए मैं कौन हूँ? घुड़सवार। तो ये इंद्रियों को गलत दिशाओं में न ले जाके, तो ऐसा मैं हूँ घुड़सवार। तो पढ़ना, तैरना, तीर चलाना तथा घुड़सवारी छोटेपन में न सीखी तो बड़े होकर नहीं सीख पाओगे। अगर कच्ची स्लेट में ये नहीं लिखे गए तो फिर भगवान ने बोला कि बड़ेपन में बहुत थोड़ा मुश्किल है, पर इधर तो निश्चय की बात है पर थोड़ा मुश्किल तो जरूर है। सारी दुनिया अपने काम में बिजी है, सारी दुनिया अपने काम में मतलब में ही व्यस्त है। दुनिया खातिर दीन गवाया दुनिया न चले साथ। दुनिया के खातिर दिन सब गवाया पर दुनिया न चले साथ, कोई भी हमारे साथ नहीं चलने वाला है। पांव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। तो ये हम अपने ही पांव पर अपने ही हाथ से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दुनिया को आधार, तो उस दिन भी भगवान ने बोला ना, आधार दो न लो। ये अंदर की स्थिति है, बाहर की अलग बात है पार्ट प्ले, पर अंदर की स्थिति से ना आधार दो न लो। कल भी आधार की बात चली थी, तो वही भगवान बोल रहे हैं, पाव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ, नहीं तो तुम अपने हाथ से खुद को ही कुल्हाड़ी मार रहे हो। कुल्हाड़ी मारा मना खुद ही अपाहिज हो रहे हो, क्योंकि मन को एक आदत है, मन का एक नेचर है, उसको किसी न किसी का आधार चाहिए। तो भगवान ने बोला आधार दो, पर आधार किसका? परमात्मा का। आधार अपना, आधार परमात्मा का। बोलो सचदेवा। एक बात और पूछना था, जिसको आधार लेने की आदत ही है तो फिर क्या करना आप चाहिए? दातार बन जाओ, कब तक? आप दातार हो तो बस ना, आप इतना भगवान से लेते हो तो भगवान ने बोला है क्या कब तक मांगेगी? एक बोलो बोलो बोलो। समाज में है कि मैं बात कर रही हूँ कि कब तक? तो अब तक प्यारी, अब उसकी आदत है तो उसकी गत मत वो जाने ना। अगर वो अपने में कोई भाव रखता है तो आप भाव के हिसाब से फिर देखो। भगवान के पास भी हम तो रोज लेके जाएं, कर्म भक्ति में जाते थे, भगवान बेटे को पास करना, भगवान इसको ऐसा करना, तो भगवान सुन लेते थे ना, करते तो समय से थे ना, करते थे तो उसके भाव के हिसाब से ना। पर वो भगवान तो भगवान ही है ना, तो आप भी भगवान बन जाओ ना, मुस्कुरा दो, शांत रहो, ठीक है? तो उसमें क्यों, आप आपके पास ताकत कौन सी है किसी की कोई बात करने की? पहले तो ये बात में आओ ना, ये कब तक, ये मन है ना, ये बहुत जल्दी सवाल करता है और थकाता है, इन बातों में जाओ ही मत। ये मन है ना, थकाएगा आपको, बहुत दुखी करेगा, कब तक मैं ही करूं, मैं ही करूं। तो मन को थकने मत दो, और इसकी आदत है, ये पहले ऐसा सवाल करेगा जैसे अभी किया ना, कब तक, हाँ तो कब तक क्यों कर रहे हो, उसका नेचर है, ठीक है? शांत, भगवान के पास तो रोज जाते हैं, भगवान बेटी की शादी करना, भगवान बेटे को नौकरी देना, भगवान ऐसा करना, तो भगवान कभी थका है क्या? सुन लेता है, ठीक है? वो तो होता तो समय से है ना, ये आप कहे और हो गई बात, ऐसा होता है क्या? प्यारी बात कर, बात कर, ऐसा तो नहीं होता है ना, समय से होता है, उसमें भी भाव देखा जाता है। तो फिर ये मन को नहीं थकाओ, कब तक मैं ही सुनूं, मेरे से होता है, ये मन थकाने वाली बात करता है, और जहां मन थका नहीं वहां कर्मों का पोटला बना नहीं, ठीक है? बात करो सचदेवा, और किसी को कोई भाव उठ रहा है तो बात करो प्यारों। संत, मैं तो कहती हूँ ये ज्ञान चारों तरफ का है। हाँ, मान लो भगवान भी छोड़ते हैं तो कहते हैं, तो पुरुषार्थ तो तुझे करना पड़ेगा, करना तू खुद पड़ेगा ना, भगवान वही तो है, बात है ना, कब तक पुरुषार्थ। सहारा?
अब आप ये देखो कि हमारा कोई, भगवान जी भी बोलते हैं किसी को तुम सहारा दो, ये देखो ये कोई हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा सहारे ले लेके, सहारा तब ले तो लेके, सहारा वही तो दो। बात है तो ना, कब तक देखो। मूर्ख बनोगे तुम? तर्को वहां से धीरे धीरे अपना पल्ला छुड़ाओ, उसको उन सेल्फ में टिकाओ, पर सिचुएशन कैसी है भगवान कैसी है, जी वही चारों बात है तरफ ना, का चारों ध्यान तरफ देते हैं। सिचुएशन देखो, वही बात है ना, आप समझो उस सिचुएशन बात, कैसी है? उस बात को समझो, या तो भगवान दाता बनो, ठीक है, तो देखो क्या बात है। भगवान ने बोला कोई तुम्हें यूज तो नहीं कर रहा है, ये भी देखो, यूज मत हो किसी के लिए। हाँ, कोई अगर कितने रूपों में संसार यूज करता है, दया के हिसाब से, लोभ के हिसाब से, हमारी कोई देखते हैं इसको मोह है तो मोह की बात आगे करेगा, तो ये क्या बात है, मोह है इसका मतलब मैं अपने आप को लुटाऊंगी क्या, अगर मैं सत्संगी हूं तो इसका मतलब क्या मैं बांटती फिरूंगी क्या। अरे जहाँ समय है, जहाँ जो बात है, चार तरफ का ज्ञान है। हमारे घर में बंटवारे की बात हो रही थी तो सामने ये बात किसी ने बोला, ये तो सत्संगी है, तो क्यों भाई सत्संगी है तो सत्संगी को हिस्सा नहीं चाहिए क्या, अरे कोई ज्यादा थोड़ी मांग रही हूँ। किसी ने बोला इसकी तो बेटियां है ना, तो बेटियां बेटों से कम है क्या, तो हिस्से में क्यों कम लूं भाई, कोई ज्यादा थोड़ी बोल रही हूँ, जो मेरा हक बनता है वो तो दो, पर कोई बोलेगा इसकी बेटियां हैं ये क्या करेगी, आगे पीछे बेटा थोड़ी है, तो ये कोई हिसाब है क्या, तो समय खड़े रहे, ये क्या बात है। तो आप उन बस सब बातों को देखो ना बेबी, सब बातें हैं ना दुनिया, ऐसे आपको और किस भाव में बोल रही है, क्या बोल रही है, उसको आप समझो ना, एक तरफा ज्ञान मत पकड़ो नहीं तो लुट पिट जाओगे। भगवान जी लुटपिट, सही चारों बात तरफ है। का ज्ञान देते हैं, हाँ, सिचुएशन देखो, चारों फिर जब बंटवारे की बात तरफ होती ठग थी, खड़े हैं संसार में, चारों तरफ ठग खड़े हैं तुम्हें ठगने के लिए, लेकिन हाँ तुम देखो सिचुएशन क्या है, हाँ ना ठगो ना ठगे जाओ। हाँ फिर जब वो बंटवारे की बात होती थी तो परिवार में एक प्यारी है जो हमसे पुरानी सत्संग में थी और थोड़ी हलचल थी पुरजा, तो उसको आगे करते थे और उसको बहला फुसला के लेके आते थे, तो हम क्लियर बात किए, देखो सत्संगी का हिसाब सत्संगी है, अगर तुम बोलोगे हमारा कोई पारिवारिक संबंध है और आप मेरे को दबाने की करोगे, तो गुरु की बात अलग है, सत्संग की बात अलग है, घर परिवार अलग है, और ये सब बातें अलग हैं, आप मिक्स करोगे तो आपको अगर लग रहा है तो मैं आपकी बात मानूंगी तो नहीं मानूंगी, तो ये सब समझ की बात है ना प्यारी, कोई उस रूप में ऐसे मेरे को दबके क्यों दबाएगा भाई, तो अगर कुछ बड़ी है, अगर गुरु की है तो ठीक है ना, गुरु की बात उस हिसाब में है, ये बात इस हिसाब में है, तो ये क्या बात है, हो रहा है सच देवा। हाँ संत, जैसे हमारे भी मायके में चल रही है बात, दुकान में मकान में, तो हम तीन बहने हैं, तो हम लोग भी यही बोल रहे हैं, आप दोगे तो हम मना नहीं करेंगे, हमारा हक है, अगर नहीं दोगे तो हम झगड़ा करने भी नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं वो ठीक है, पर भाइयों भाइयों के बंटवारे में कोई अगर बड़ा बन के आए हाँ वो बात सत्संगी, तो इसको तो भी मैं कह रही हूँ, दबाऊंगी, हाँ सिचुएशन तो ये क्या है, ये क्यों, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। आप देखो, इन मेरी बात में आपकी बात में सिचुएशन फर्क हो गई ना, हाँ, हो गई ना, तो वही बात है ना, तो हमने उनको क्लियर देखा बोला क्या कि है हमने। देखो हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप गुरु भाव में हो, पर वो अलग से चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, और उसके विपरीत अभी इस परिवार में कुछ भी होता है तो भले द्वेष की बात है, पर हम परिवार करके हम जरूर जाते हैं, दूसरे भले नहीं आए तो बोलते हैं ठीक है ना, वो परिवार का वो चैप्टर अलग है, बिजनेस का, जेंट्स का, वो दुख सुख का, वो सब अलग है, ये चैप्टर अलग है, हम क्यों नहीं जाएंगे, भले हम जाते हैं पार्ट प्ले के लिए भी जाते हैं, समय पे जाते हैं, लोग हम पर हंसते हैं, भले हंसो, उसमें क्या बात है, सब बातें अपनी जगह पर है, जब जब भगवान खुद खुदा होके एक कर्म का हिसाब दूसरे में नहीं देता है तो हम क्यों करें, जब भगवान खुद एक कर्म का हिसाब बोलता है सत्य करेगा तो सत्य कर्म का सत्य में दूंगा, बद का बद में दूंगा, मिश्रित का मिश्र में, तो हम क्यों फिर ऐसे द्वेष को पालें कि फलाने टाइम ऐसा किया था तो मैं उसके घर नहीं, अरे मैं नहीं जाऊंगी, उसकी शादी नहीं होएगी क्या, ये क्या बात है, उसके घर क्या खुशी नहीं होएगी क्या, पर हर कर्म अपनी जगह पर है, हर भाव अपनी जगह पर है, तो ये सब बातें हैं, बोलो सच देवा बोलो। नहीं, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया, हिम्मत रखो प्यारी, सब बातें हैं सब, तो कभी तक हाँ दो तो आप समझ रहे हो ना उस बात को कि सही बात है ना, कोई आपको मोह करके लुटा रहा है कि क्या करके, या दबाव करके, या
या आप डर के दे रहे हो, प्यार से दे रहे हो, क्या किस सिचुएशन में दे रहे हो, ले रहा है, आप उसको जानने वाले हो ना। आधार भी कब तक, भगवान तो बोलते हैं कब तक आधार, सच्ची बात है, परिस्थिति की बात अलग है। ठीक है। मेरे मन में तो एक ही था कि न होने का कोई फायदा ले रहा है। न होने का कोई फायदा ले रहा है तो आप हाँ, जान रहे हो, तो फिर टोटल नो करो ना, उसमें क्या बात है, फायदा क्यों ना, हम क्यों, वो ज्ञानी भगवान का जो सच्चा होता है ना, ठगता है ना ठगा जाता है, ना हम किसी को ठगेंगे ना हम ठगाएंगे, क्यों ठगाएंगे भाई, क्यों ठगाएंगे, क्यों ठगेंगे। तो भगवान ने एक एक उसकी लाइन बोली थी एक बार वाणी में, दुनिया के बाप तुम, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया हाँ, से डरोगे तो तुमको डर आएगी। एक वो भजन भी है ना उस पर, हाँ, भगवान जी ने आंख एक बार बताया दिखाएगी, था कि इतना मत डरो। हाँ आंख दिखाएगी, रोब जमाएगी। हाँ बोल। और तुम उसे डराओगे तो वो झुक झुक सलाम करे, मुड़ हाँ, मुड़ सलाम मुड़ मुड़ करती सलाम। तो है। ये सब स्थितियां हैं प्यारे। नहीं, लोगों का तो है कहना, लोगों तो बहुत बोलेंगे, जो 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 आएगा वो बोल देंगे। हाँ, उनका तो काम है बोलना, पर हम सावधान रहे ना, हम ना किसको ठगे ना किसको ठगाए, हाँ, न ठगे जाए न ठगे। हम सावधान रहे बस, हाँ और बात नहीं। ध्यान ठीक है, तो हमको वही बोलता है ना, तू सुजाग रह, सावधान हाँ, रहो, अरे कौन हाँ, तुमको बोलो। ठगता है। अभी जो ताई जी ने बोला थोड़ा फिर खोलिए उनको। ताई जी, उनको फिर से खोलो आप। कौन सी बात सर, मैं तो कई बात बोल देती हूँ। हाँ, संसार समझाया मतलब डरोगे तो, वो भजन नहीं है, डरोगे तो डराएगी। हाँ तुमको डराएगी। दुनिया के बाप हो तुम, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया से डरोगे तो तुमको डराएगी, आंखें दिखाएगी। और दुनिया आगे लाइन दी, बाप तुम हो, ये भजन डरोगे है, मुड़ बहुत प्यारा मुड़ भजन। सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, अगर तुम बोल्ड हो जाओगे ना सत्य की राह पे चल के। संत जितने भी पैगंबर हुए हैं सबको डराया ना संसार ने, कितना संसार ने तो डरा है। डराया, लेकिन वो डरे क्या? फिर उन्होंने उनको सलाम करा मुड़ मुड़ के और झुक झुक के। सही बात। और संसार क्या है, एक बार कोई किसी भी रास्ते पे आगे बढ़ता है ना, तो सब पहले पांव खींचते हैं, पर जो उसको ध्यान नहीं दे के आगे बढ़ते हैं, फिर सब संसार उनके पीछे है, सीधी सी बात है। सत्संग में भी टांग खींचते हैं, हाँ, सत्संग भी सत्संग बहुत बड़ी में, माया है। या कोई लेडीज अलग से थोड़ा बढ़ के कुछ तो करे, पहले तो टांग खींची जाती है, हाँ बढ़िया ही है, कोई शब्दों की, कोई हाँ, टोका टोकी की, कोई दूसरी बातों की, पहले तो टांग खींचेंगे, पर फिर बहुत मानते हैं। ना फिर मानते हैं बराबर, इसमें वो तो सही बात है ना। उनको पता है, बिटिया रानी को जब हम पढ़ाए थे भाटापारा गांव में, तो ये स्कूल में नहीं, ये स्कूल में, इतनी टांगें खींची गई, फिर उसके बाद आज सब बहुत सारे बच्चे जितने हैं सब आगे निकले उसके पीछे, पहले तो कोई उतनी पढ़ी भी नहीं, पहली बिटिया थी जो अनवानी परिवार में इतनी पढ़ी, उसके बाद फिर सब पढ़े आगे बढ़े, आज वही बिटिया अमेरिका में बैठी है, तो लोगों ने बहुत खींचा, उसमें क्या, बहुत खींचा। दीदी, ये बातें तो होती है, हाँ, ये बातें जैसे होती हैं। मैंने आपको बताया मेरी बेटी ऑफिसर है, वो क्या क्या बोलते थे, कहाँ बैठती हो बेटी को, ये करती हो, जमाना आएगा बेटने का सही बात है, वही जब आप, बात है ना, जब पहले तो आप, खिंचा होएगा, पर हाँ, जो जब उसको, ऑफिसर बड़ी सब सलाम करते हैं, पहले कोई पूछता भी नहीं था हाँ, कि कौन है मोनिका। सही बात है, वही बात है ना, पहले पूछ खिंचवाओगे, वो सही बात है। अपने से सचदेवा, आपका प्रॉब्लम बेटा कुछ साल हुआ, हाँ जी, ठीक है ना, बस मेन उसी में बात करो, अगर कुछ है तो अभी बात करो, निकालो नहीं क्लियर हो ना, गया। आपके पास नहीं है तो खींच रहा है, मतलब आपकी मजबूरी का भी नहीं, के हाँ की तो मजबूरी होती है, पर ना की जो मजबूरी है, तो आप उसमें भी बोल्ड रहो ना प्यारी, नहीं है तो आपको, ने बोला था नो की तुम्हें पावर होनी चाहिए। हाँ यस का पावर है तो नो का भी होना चाहिए। भगवान ने बोला यस का पावर है ना, मेरा हक बनता है, मैं लूंगी तो मैं नहीं लूंगी, मैं दूंगी, नो करो भी, दोनों पावर बहुत जरूरी है, यस भी है तो नो का भी पावर होना चाहिए, नहीं मैं कैसे करूं, मैं छोटी हूं, अरे नो करके दिखा, कितने रूपों में हम मुड़ जाते हैं, तो भगवान तो संत सत्र। अभी प्रैक्टिकल दीदी एक बता बात रहे पूछ, हैं।
था कि एक माहर गया, उसका गुरु बोल उसको बैठा के गया, तो उसको बहुत फूलों की माला पहनाने लगे और पूजा करने लगे। उसका गुरु आया तो आंखें बंद करके और गुरु को प्रणाम भी नहीं किया, और ऐसे ही मतलब वो सोच रहा था कि अब मेरी पूजा हो रही है। तो उसके कान में ना कोई बस कोई कीड़ा चल गया फूल का, मतलब तो उसके कान में पूरा खराबी आ गई और पूरा वो उसका वो हो गया। तो गुरु का निरादर किया ना, तो उसको देख कितनी बड़ी सजा मिली, बहुत सजा मिली। तो बोले गुरु के मन में भी नहीं आया, लेकिन उसके अंदर ही से तो दी कर्मों के फलों फल की सजा है ही है, ये हाँ दृष्टांत प्रभु कहते हैं। तो ये थोड़ा भी अगर हम ढक देते हैं ना अपने अज्ञान को, तो वो डबल सजा देता है। डबल सजा। माँ के मेरे को तो ऐसे लगता है हमारे नाथ भी, हमारे निरंजन गुरु भी डरते हैं सजा से, तो हमको कितना डरना चाहिए सजा से। नहीं नहीं मालूम कौन सी सजा मिले। दीदी मीटिंग तो होगी ना भगवान से, हाँ मीटिंग तो होगी। मीटिंग तो एक बार होगी, होनी होनी है। क्यों हाँ ना हम सच्चाई की मीटिंग ले भगवान से, कि हमारी मीटिंग हो तो कोई मिस्टेक ना हो हमारी। हाँ अब प्रयास तो यही चलता है चलो बहुत अच्छा। ताई जी भगवान आप की। कुछ बोल रहे थे ताई जी। मैं यही प्रैक्टिकल बात बोल रही थी। मेरे रेंट पे रहती है लड़की, वो अपने पापा को भाई को कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि वहाँ उसकी बहुत ड्यूटी रहती है, तो मैं ना उसकी पूरी सेवा कर देती हूँ, बच्चे भी देख लेती हूँ जो भी होता है। अब कल मेरे को बोली आंटी मेरी मेहंदी लगा दो सिर में, तो नो करने की पावर होनी चाहिए। मैं क्या बेटा मैंने कभी जिंदगी में नहीं लगाई, मैं तेरे को बुला दूंगी। तो पहले तो लगा कि नहीं मैं कैसे मना करूं, सब मैं इतना कर रही हूँ, हाँ लेकिन फिर भगवान जी की बात एकदम कान में कह जाते हैं कह सारी, तो देते, हाँ हो जाता है ना उसमें तो। एकदम से मैं कर नहीं बेटा मैंने बुला दिया। दूसरा मैं क्या मैं फोन करके बुला दूंगी, मैंने कभी नहीं लगाई मेहंदी किसी की बातों। हाँ वही ना, यश का पावर है तो नो का भी रखो। हाँ तो फिर ये कह रही हूँ कि सबको पावर ये रखनी चाहिए। पहले हाँ नहीं दिल धड़कता था कैसे हाँ कैसे मना करें, मनाते अपने से फिर जब पूछ। भगवान जी ने बोला ना कि दिल की धड़कन पाप है, वो हाँ काम क्यों करो जिससे तुम्हारा दिल धड़क रहा है। हाँ बोलो लाजू माता दीदी क्या मेरे पास ये पावर नहीं है, नहीं है। दिल नहीं नो नहीं कर पाती हूँ दीदी। धो दो पाप आना दीदी, दिल जो धो दो। तो नो नहीं कर पाते हो तो फिर यस करते हो, तो फिर दुल नहीं हिलता है कहीं पर, कि नहीं करना था करी आधार हाँ दी। होता है ना, वही तो बोल रही हूँ नो नहीं कर पाती हूँ, बाद में सोचती हूँ मैंने नो क्यों नहीं किया। हाँ तो फिर अभी हिम्मत करो, क्योंकि आप बस अब दिल में दुआ करो अगर दीदी मेरे पास नहीं खुशी है। है तो अच्छी बात है, जो खुशी नहीं है कोई नहीं बात कुछ है। कुछ हर बात में कुछ थोड़ी होती है दीदी, जैसे अभी ताई जी ने बोला मेहंदी लगाने का, यही मेरे साथ भी हुआ था। मैं गई कि घूमने, उसे बोला मेरे बालों में डाई लगा दो ना, तो सही नो बात नहीं कर पाई मैं। नहीं, ठीक है ना। आप जानो ना, हम करते थे पहले सिलाई वलाई कुछ भी, हाँ बताया था आपने भी तो फिर हम बोलते थे अगर आपको सीखना है तो मैं नींद फिटा के भी करूंगी, पर आपको लग जी। रहा है कि ये भी ये करके दे ऐसा कर दे दे, तो वो मैं नहीं करने वाली हूँ। तो फिर मेरे पास मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं तो भी सिलाई कुछ बहुत भी, करती हाँ थी। सिलाई वगैरह जो भी होता था तो कोई कर दे, हाँ कर क्यों दूं भाई, तुम समर्थ हो, अगर तुमको हाँ सीखना नहीं है मेरे पास अक्ल है मैं देने को तैयार हूँ, भले मैं उनको नींद में सीखने बिठा का करके नहीं है, बस करके दो। दो। करके क्यों दूं भाई, तुम्हारा सामर्थ्य है हर बात है। अभी परसों की बात है, देवरानी आई तो मेरे बेटियों के लांग के लांगे लेंगे बहुत सारे रखे हैं शादियों के, तो उनकी बेटी को शादी जाना था, मैंने कहा ले जाओ ये सब, तो उनको ढीले हो रहे थे, बोलो भाभी आप बना के देना ना। मैंने कहा नहीं अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं नहीं बना के दूंगी, चलो मतलब पकड़ लेते हैं लोग, ना करने का नहीं होता ना, पकड़ लेते हैं। चलो ठीक है। सर तुम्हारे सत्संग में एक नया स्टूडेंट आया है, वो कह रोते बहुत है, बहुत रोती है, तो किसी ने कहा इनके घर चले जाना, ये तुम्हारा रोना बंद करवा देंगे। कहती किस टाइम आऊं, मैंने कहा भाई देखो मेरे व्हाइट वॉश चल रहा है, घर में लेबर लग रही है, मेरे को टाइम नहीं है, मैं वॉक करने जाती हूँ, 6 बजे अगर तुमको जरूरत है तो मैं वॉक में तुम्हारा संग करूंगी। हाँ ठीक है ना, उसको चाहोगी तो आएगी ना, तो लिहाज में मतलब पहले लिहाज में आ जाते थे, आ जाते। अब भगवान जी कहते पहले तू अपना देख, अपने से प्यार कर, इतना खट्टे मटे मत, अब एज हो गई, पहले खट्टे थे, अब थोड़ी ना इतना है कि अपने को डुबो दें। हाँ सही सही बोल रहे हो बिल्कुल। लेकिन दुआ करो मुझे भी नौ का पावर नहीं है। हाँ चलो ठीक है, जानो स्थिति को, समझो आगे बढ़ो। सचदेवा थैंक यू आपका, आप बोलो कुछ।
एक बात एक काटा कोई डालता है तो देखो कितने मुखों से बात क्लियर होती है, और जिसके मुंह से निकली उसकी क्लियर हुई। सच देवा हाँ जी क्लियर हुआ जी जी ठीक है अभी ठीक है। लोभ सब पापों का बाप है, जिस जीव को चाह नहीं वो शाहों का शाह है। अपने से पूछो अपना अनमोल समय गवा रहे हो। काम क्रोध मोह लोभ वासनाओं में मनुष्य खुद को ही खोखला कर देता है। क्रोध को धिक्कार जैसे कोड़ी को धिक्कार होती है। भगवान ने बोला अपने से पूछो अपना अनमोल समय तुम कहाँ गंवा रहे हो। कामना क्रोध मोह लोभ वासनाओं में मनुष्य खुद को खोखला कर देता है। इसमें अटक के कामनाओं में क्रोध में मोह में लोभ में खोखला। देखो एक चावल का दाना दिखता तो वही है, गेहूं का दाना होता है, चने का दिखता वैसे ही है, और उसके अंदर कोई गुण होता है तो अंदर से पूरा खोखला दिखता वैसे बाहर से है। तो ऐसे ही भगवान ने बोला ये जो कामनाएं क्रोध मोह लोभ अंदर दूसरी वासनाएं पड़ी हैं तो ये क्या करती हैं, हमको अंदर से खोखला कर देती हैं। तो इन बातों को अंदर में नहीं रखो। आज टोटल भगवान कौन कौन सी कहाँ से पकड़ा रहे हैं हर बात, सबके मन की स्थितियों की बात, कि कितने रूप से हम अपने आप को पकड़ा के बैठे हैं। बोलो सुन, भगवान जी की किताब थी गीता, उनके हाथ के लिखी हुई, उसमें पढ़ा था मैंने एक दृष्टांत ये खोखला होने पे। तो उसमें भगवान जी कह रहे थे कि देखो एक पति पत्नी थे और उनको एक मुकदमा लग गया। तो पत्नी तो सत्संग में जाती थी, पति नहीं जाता था। तो कह रहे वो पति तो धीरे 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 इतना बेड पे आ गया, जैसे भगवान जी बोल रहे हैं खोखला हो जाता है, हो जाता है सोच सोच के कैसे बेड पे आ गया। तो उसमें भगवान जी ने लिखा था कि वो 20 साल बाद मुकदमा जीत गए और वो आदमी जो था बिल्कुल बेड पे मरणासन्न हो गया। तो भगवान जी ने पूछा तुम बताओ वो मुकदमा भी जीत गया अब वो क्या करेगा उस दौलत का, पैसे का या मुकदमे का। सही बात, तुम अपने को इतना डाउन कर लेते हो किसी भी बात को लेके, और समय से तो वो बात हो जाती है। लेकिन जब तुम्हारा शरीर चला गया तो तुम उस बात का क्या फायदा उठा पाओगे। सही बात है। बोला वो तो बेड पे चला गया, मरणासन्न हो गया वो। हाँ। तो बताओ मुकदमा जीतने के बाद भी उसको क्या फायदा मिला। हाँ। और वो औरत अच्छी थी जो सत्संग सुनती थी, सही बात, उसने उसका लाभ उठाया। सही बात। क्रोध को धिक्कार जैसे कोड़ी को धिक्कार, लोभ सब पापों का बाप, जैसे कोड़ की बीमारी तो ये लोभ सब पापों का बाप। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह, तो जिसको ये चाहना नहीं है पर्सनल मैं की मेरे की, तो भगवान ने बोला वो ही है शाहों का शाह। जब मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों डरूं, जब मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं क्यों डराऊं, तो डरूं और डराऊं, चाहिए नहीं माना अपना पर्सनल स्वार्थ जब नहीं है, सबके हित की बात है तो मैं क्यों डरूं। भगवान ने अर्जुन से कहा तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए परम हित कारक वचन मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन तू मेरा अतिशय प्रिय प्यारा सखा दोस्त है, मेरा प्यारा सखा है, इसीलिए ये जो परम हित कारक वचन है, ये परम हित कारक कौन से, सबकी मन की स्थितियों के, जिसकी मन की स्थिति जहां जहां अटकी हुई है वहां वहां से उठो। अर्जुन की अपने रूप में अटकी हुई थी, तो हम लोगों की भी तो अपने अपने रूपों में अटकी हुई है ना, तो वहां से उठो आगे बढ़ो। तो अर्जुन ने कहा तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए परम हित कारक वचन मैं तेरे लिए कह रहा हूं, मैं तेरे लिए कह रहा हूं। इसमें तेरा परम हित छुपा हुआ है। कौन सा हित, सबसे बड़ा अहित कौन सा है, हमारे मन का अटकाव, जहां मन का अटकाव वहां ही भटकाव है बस।
तो मन का जहां अटका हुआ है वहां से उठो, भले नहीं होता है जोरी करो, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्या, एक बार तू मैं होएगी और क्या होएगा सचदेवा जी, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, एक बार तू मैं होएगी ना, बाद में वो भी समझ जाएंगे। फिर दूसरी बार आएंगे तो थोड़ा दूसरे रूप से आएंगे, बन के आएंगे, आप अपने भाव में कायम रहो जो सच है। तो देखो फिर धीरे धीरे आखिर तो बात होएगी ना। शादी के दिन लड़की की मांग भरी जाती है कि अब पति मिल गया, मांगे पूरी हुई, पर होता तो उससे उल्टा है कि उस दिन उसकी मांगे बढ़ जाती है। शादी के दिन पत्नी की मांग भरी जाती है, पर भगवान ने बोला, पर होता क्या है, पति खुश होता है मैंने मांग भरा तो बात तो उल्टी हो जाती है ना, अभी मांग भरा मना और उसकी मांगे तो बड़ी ना, उसको तो देना ही देना है ना। तो ज्ञान का उल्टा अज्ञान, अज्ञान का उल्टा ज्ञान, समझो। तो भगवान देखो कहाँ से हमको ज्ञान पकड़ा रहे हैं कि शादी के दिन लड़की की मांग भरी जाती है कि अभी पति मिल गया, मांगे पूरी हुई, पर होता तो उससे उल्टा है कि उस दिन उसकी मांगे बढ़ जाती है। भगवान से दुनियावी पदार्थ मांगते हैं जो तेरे किसी काम के नहीं। भगवान से तू मांगता है तो दुनिया के पदार्थ जो तेरे किसी काम के नहीं है। इसलिए ये जो मांगने की आदत है ना, भगवान कहते हैं छोड़ दो, जरूरत का सबको दिया है और समय से जिसकी जो जरूरत होती है मिलता है, पर ये जो पहले से मांग के भगवान ने बोला, तू अपनी प्रारब्ध भी छोटी कर देता है। पहले से मांगा, भगवान ने बोला, तू बोलता है रोज भगवान एक रुपया दे एक रुपया दे, कल मैं तेरे को 5 रुपया देने वाला था, पर तूने आज क्या किया, एक की मांग करके अपने आप को घाटा दिया। तभी भगवान बोलते हैं ये मांगने वाली आदत अभी छोड़ो, तू दातार बन, देने वाला। पर देने वाला क्या, सिर्फ धन की बात नहीं है प्यारों, प्यार दो, सबकी बात सुनो, एक्सेप्ट भाव रखो, ये दातार, ये भी तो दातार के गुण है ना। जो तेरे किसी काम के नहीं, भगवान से मांगना है तो सच्ची शांति और आनंद। भगवान से अगर मांगना है तो सच्ची शांति और रिलैक्स आनंद, जहां बैठे भीगे रहे उसके अपार प्रेम में। जहां भी बैठो भीगे रहो उसके प्रेम में, अपार प्रेम में, अरूप में देखो ही वो भगवान। थैंक यू भगवान, इस रूप में आया, जगाया, आगे बढ़ाया, इस बात को क्रॉस कराया, थैंक यू भगवान आपने ऐसा रूप धरा तो मेरे को नो का तो पावर आया, वरना मैं तो अटकी रहती इन सब बातों में। तो जिसका मन साकार में फंस जाता है, फिर उसका मन माया में नहीं फंसता। तो पहले साकार, फिर साकार को पकड़ के निराकार। तो जिसका मन साकार में, फिर उसका मन फिर माया में नहीं फंसता। तो ये साकार की बात है। कल अचानक से जाना हुआ मंदिर, तो ऐसे बैठे थे तो एक प्यारी आई, शिव का मंदिर है, वॉक करने जाते तो पड़ता है, थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, तो एक प्यारी वहां पर आई, तो हमने देखा लोटे में पानी उठाया, वो भगवान जी का जो नांदी बैल है, नांदी, तो लोटा उठाई और उसके मुंह के सामने आधा लोटा, और ऐसे भाव कर रही थी कि वो पी रहा है। तो हम उनसे देख रहे थे तो मुस्कुराहट निकल गई हमारी कि देखो भाव में। तो बोले इतनी गर्मी है, इसको प्यास नहीं लगती होगी तो इतना मन में लग रहा था, देख तो माई कितने भाव में है। तो वो नांदी जो मूरत थी, उसको लोटा भर के पानी उसके मुंह पे ऐसे रगी, और ऐसे वो पानी गिरते जा रहा था नीचे, पर उस माई को तृप्ति लग रही थी कि मैं इसको पानी पिला रही हूँ। तो हम बड़े मुस्कुरा के उसको देखे भाव से, तो इतने प्यार से बोली, बोले इसको गर्मी नहीं लगती होगी, इतनी गर्मी है इसको भी तो प्यास लगी होगी, तो ये भी तो भाव है ना प्यारी। फिर उसका मन माया में नहीं फंसता। गुरु हमारे भीतर ही धर्म की स्थापना करता है। कौन सा धर्म? देह का धर्म, फिर आत्मा का धर्म। तो ये
और आत्मा का धर्म आनंद। पहले देह का धर्म निभाओ कर्तव्य के रूप में, फिर भगवान ने बोला कर्तव्य क्या है, उसमें अटकी रहेगी, मेरा कर्म मेरा फर्ज मिलने वाला तो एक ककड़ा भी नहीं है तेरे को, कितना भी करो बोलेंगे तेरा तो फर्ज है तेरा तो कर्तव्य है, फिर बैठी रहेगी वहीं पे। तो फिर भगवान ने बोला देह से ऊपर उठो, आत्मा का कर्म और आत्मा का धर्म है ही भगवान, है ही भगवान। आनंद को नहीं भुलाओ, धीरज को, आनंद को हमेशा फील करें कि बल माधुर्य गंभीरता सब प्रभु का है। हमेशा यही फील करो कि ये बल मधुरता माधुर्य और ये गंभीर नेचर का गंभीर बल माधुर्य ये सब भगवान का है। जो भक्त निश्चल पवित्र प्योर मन से हरि को भजता है उसमें उसे मैं सहज मिल जाता हूँ। भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं कि जो भक्त निश्चल भाव से, कोई भी शल कपट नहीं है, जो स्थिति जैसी है उस स्थिति से शल कपट नहीं रखो। मेरे पास नहीं है तो नहीं है ना, उसमें क्या बात है, मैं नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती हूँ। अब सामने वाला अगर मेरी कमजोरी की बात को फायदा उठा रहा है, तुम्हारी गत मत, तू जान तेरी बात, पर मैं अपनी सफाई में नहीं है तो नहीं है बस। तो ये भाव सच देवा, क्लियर हो रहा है जी? तो ये हमेशा फील करें कि बल माधुर्य गंभीरता सब प्रभु का है। जो भक्त निश्चल पवित्र प्योर मन से हरि को भजता है उसे मैं, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, उसे मैं सहज मिल जाता हूँ, अपने आप सहज सरल मिल जाता हूँ। पर भगवान की शर्त कौन सी है? निश्चल पवित्र प्योर, अंदर कोई शल नहीं रखो, मन की पवित्रता और प्योर सच्चाई नहीं है, कोई बात नहीं। ऐसे बराबर संसार छोड़ता है क्या? किसको छोड़ा है जो मेरे को छोड़ेगा? पर छोड़े भी तो क्यों छोड़े, क्यों छोड़े? जब भगवान ने बोला मेरे मेरे को नहीं छोड़े हैं तो तेरे को क्यों छोड़ेगा? ये तो सब समय की बात है, हिसाब किताब की बात है। बात करो जिन्होंने बात नहीं किया है। दीदी कबीर ने भी तो वो बोला ना कि आपने तो भगवान आपने तो पूरा जीवन मुझे दिया लेकिन मैं 2 घंटा भी आपको नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। तो ये मेरी बड़े में बड़ी भूल है कि मैंने 2 घंटा भी ऐसा गवाया, आपको 2 घंटा भी नहीं दे पाया। तो भगवान को देना मना क्या, फिर उस बात में आ जाओ या रूप में, उसी का ही भाव, उसी के भाव में चले ना, सब जगह भगवान देखे। हर जगह तो तेरा ही रूप है, जहाँ तहाँ तू ही है प्रभु। आनंद रिलैक्स शांति धीरज और क्या है, विल पावर जो है वो हुए ना हमारे अंदर, तो हमको लोभ भी बोला ना, लोभ सबसे पाप है, लोभ का भी बाप बोला, लोभ का भी पाप, तो लोभ भी क्यों करते हैं? तो उसका भी बाप है तू। सही जो लोभ करता है, जो लोभ करता है तो ये विकार जो पड़े हैं उसको पहले चेक करो ना, मैं कितने विकार अंदर मेरे है, मैं इस ज्ञान से उसको खत्म करूं। कोई विकार मेरे को तंग ना करे। डर कितने रूपों से है, इच्छा कामना डर और कोई? आपको चेक हर वक्त मन के ऊपर पैरा रखो कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना है। ये अनमोल समय मिला है तो हम वो समय ऐसे ही नहीं गवाए, उसके लेखे रखे भगवान के लेखे। और कोई बोलेगा? मेरा जीवन है यही, तो मेरा जीवन है यही, तो मेरा और बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे दीदी, हर क्षण लेखे हो जाए। तेरे लेखे सब कुछ मिला पर तू न मिला तो क्या हुआ। सब मिला तू नहीं मिला,
तुम ना आनंद रिलैक्स नहीं है तो फिर इतनी माया भी किस काम। शांति लियो, भगवान से शांति मांगो और रिलैक्स रिलैक्स में रहो। हाँ, ये जो अभी ताई जी ने एक अनुभव बताया कि इतने उसमें रहते थे, आखिर सब जीत भी गए तो बराबर किस काम का। तो वही बात है ना, उससे चाहे अपना कर्तव्य जो पुरुषार्थ था वो अपना करो। वो मुकदमा जीत हाँ गया ना वो। वही ठीक है, पुरुषार्थ करते रहो, समय की बात है, नहीं तो भी ज्यादा से ज्यादा क्या, मान लो हारते भी तो ज्यादा से ज्यादा क्या, स्वास्थ्य धन कितना करोड़ों का है, एक बार ही गए जाए। सही दीदी बात, भजन गए। प्यारी तो टाइम तो हो गया, कौन सा निकाल लेते, बोलो रेखा बोलो। हरिओम, हरिओम। ये बात बहुत अच्छी लगी भाई। ज्ञान बहुत गहरा है, हाँ जितना इसको गहरा है चारों तरफ से ही समझ, उतना उथला भी है। चारों तरफ से समझ के ही हमको चलना है। हाँ सही कोई बात, हमें यूज न करे, हमको मन वचन कर्म से अच्छी तरह से चलना है, सब बातों का ध्यान रखे। तो हाँ मेरा गुरु इधर क्या बोलता है, इधर कैसे रहना है, जो जैसे आपने बताया देश काल पात्र देखकर हमको चलना है। तो हाँ ये सब बातें सच्ची भी गुरु के मुख से ही सुनने को मिलती है और समझने को मिलती सही है। बात। और कौन बोलेगा? हाँ दीदी, हाँ बोल बेटा। ये अच्छा लगा कि मतलब संसार में कुछ मिलने वाला नहीं, ये तो पक्का है। ये तो किसी पक्का है, पर के भागो भी तो कहाँ कहाँ जाओगे, फिर जाओगे। हाँ ये रहोगे, बहुत अच्छा। फिर हाँ समझो। कैसे रहना है, फिर आप समझो उस बात को। हाँ भगवान जी संसार ने लाइन पार। बोली थी, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हो। हाँ आज भगवान ने बोला ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो, क्यों मारे? खुद ही मारते हैं कुल्हाड़ी। पहले कितने कुल्हाड़ी मारते थे अपने पैरों, खुद ही अटका देते थे, मेरे को आता है, मेरी ये बात है वो बात है, सामने वाला तो मौज में घूम के आता है, ले माई बना बैठ के। कितने रूप में खुद को अटकाते थे, खुद को फंसाते थे। मतलब कितना संसार में निर्लेप न्यारा होके शांति से किसी की बात सुन के, किसी दो शब्द दिए तो मान लेके आगे चलना है तो शांति है। हाँ मतलब उसमें ज्यादा अभ्यास मत करो, हाँ बात ऐसी है। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगा। और दूसरे ये है कि बल माधुर्य और शौर्य ये हाँ सब भगवान का है, और हाँ भगवान, निश्चल, जो निश्चल है, पवित्र है, प्योर है, हाँ उसको ही जिसके भगवान ने पास। बोला मैं मिलूंगा हाँ सहज में मिलूंगा। समझ। ये बहुत अच्छा लगा। चलो और कोई, गुरु माता कौन सा भजन निकाले थे, एक लाइन सिर्फ बोलो कौन ये पूरा सा। ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। मन की अखियां खोल, मन की अखियां खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, बहुत अच्छा, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश्वर है। निष्काम राह पर चलना सिखाए वो, वही मेरा जगदीश है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास तब वो आएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकारते तब तेरे पास आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, कृपा कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको,
जहाँ तुम जाओगे उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े हम पर बवसे कर जाओगे। ऐसा है विश्वास मन में ज्योत वो जगाएंगे। ऐसा है विश्वास मन में ज्योत वो जगाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे पूरा ध्यान लगा। ऋषियों ने मुनियों ने गुरु की महिमा का किया गुणगान है। गुरु के चरणों में झुकती सकल सृष्टि झुके भगवान है। महिमा है अपार, महिमा है अपार सच की राह वो दिखाएंगे। महिमा है अपार, महिमा है अपार सच की राह वो दिखाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा। गुरुवर दौरे दौरे आएंगे पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा। गुरुवर दौरे दौरे आएंगे तुझे गले से लगाएंगे पूरा ध्यान लगा। हरि ओम कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण यण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम ओम शिव ओम। हरि ओम सबको हरि ओम। हरि ओम दीदी। हरि ओम हरि सबको हरिओम। बंद कर दीदी। हरिओम हरिओम बंद करें। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा। हरिओम हरिओम नर्मला दीदी जी। नहीं हरिओम 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 बेटा। हरिओम हरिओम दीदी। हाँ हरिओम दीदी।